हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज फर्स्ट आपको सॉल्व करा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, कुछ आपको खुद ट्राई करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है और फिर आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, -2/5 × 3/5 + 5/2 − 3/5 × 1/6। सबसे पहले मैंने ऑर्डर चेंज किया, 5/2 को पीछे ले गया। ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसको मैंने लिखा −2/3 × 3/5 − 3/5 × 1/6 + 5/2। फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में से मैंने 3/5 कॉमन लिया, तो मेरा बचा 3/5 माइनस ब्रैकेट में −2/3 − 1/6 + 5/2। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर मैंने ब्रैकेट को अंदर सॉल्व करूँगा, ये आपका नॉर्मल फ्रैक्शन सॉल्व करना है, आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, तो ये कितना आएगा? −8/6 और उसमें मैं 3/5 का मल्टीप्लाई करूँगा, तो इसको मैं सॉल्व करने पे मेरा आंसर कितना आ रहा है? 2। नॉर्मल से आपको ये समझ में आना चाहिए आपने प्रॉपर्टी कैसे लगाई है और फिर आपको नॉर्मल फ्रैक्शन सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसी तरह ही है, आप खुद ट्राई करेंगे फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, एडिटिव किसी वैल्यू में वो वैल्यू प्लस करनी होती है जिससे आंसर उसका 0 आए। तो बस सिंपल क्या करना है, आपको बस साइन चेंज करना है। 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? −2/8। इधर देखिए, और −5/9 का क्या होगा? 5/9। माइनस माइनस ये प्लस, प्लस 6/5 हो जाएगा, तो इसका कितना होगा? −6/5। 2/−9 है, इसका कितना होगा? माइनस हट जाएगा, 2/9। एंड 19/-6 का कितना होगा? 19/6। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरीफाई दैट −(−x) = x। एक्स की जगह 11/15 रखना है, सेकंड में एक्स की जगह −13/17 रखना है। एक में बताऊंगा, एक आप खुद करना। x = 11/15 मैंने पुट किया, तो −(−), अगर दो बार माइनस आ जाता है तो आंसर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ये आपने चैप्टर क्लास 7th में पढ़ा होगा इंटीजर्स टॉपिक में। तो −- प्लस हो गया, तो 11/15। उधर RHS में आपके ऑलरेडी x है, तो वो तो 11/15 रखना है। यहाँ से LHS और RHS आपका वेरीफाई हो गया। ओके, सेकेंड वाला आप खुद ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर फोर, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आना चाहिए, उस वैल्यू का मल्टीप्लाई किया जाना है, आंसर 1। तो कुछ नहीं, इसके रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/1 में लिखना। तो −13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा? −1/13। −13/19 का कितना होगा? −19/13। 1/5 का कितना होगा? 5। क्वेश्चन नंबर 4 है, −5/8 × −3/7। पहले तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो मेरा आएगा −15/56। फिर इसका इन्वर्स लिखूंगा, तो जस्ट उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल 15/56 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, −1 × −2/5, ये 2/5 हो जाएगा, इसका इन्वर्स होगा 5/2। और −1 का कितना होगा? −1 ही होगा, क्योंकि इसको रेसिप्रोकल करेंगे, −1 का रेसिप्रोकल −1 ही होता है। नेक्स्ट, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको सिर्फ इनकी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लिखनी है। फर्स्ट, −4/5 × 1 = 1 × −4/5। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ओनली आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई हो रहा है 1 का। सेकेंड, −13/17 × −2/7 = −2/7 × −13/17। इसमें क्या है? ओनली कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है, क्योंकि ऑर्डर चेंज हुआ है, a × b = b × c। थर्ड, −19/29 × −29/19 = 1। तो ये आपका क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। कौन सी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, क्योंकि आंसर दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, −6/13 / −7/16। 6/13 में मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ −7/16 का। तो सबसे पहले अगर मैंने रेसिप्रोकल किया, तो कितना हो जाएगा? −16/7। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है? मल्टीप्लाई 6/13 × −16/7। आंसर कितना है? −96/91। नेक्स्ट, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट।
आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। ये आपको नॉर्मल पता है कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, जो मैंने नीचे लिख भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। ये आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आना चाहिए। तो 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होना चाहिए, 9/8। सिंपल, आप या तो दूसरा तरीका ये है, दोनों का मल्टीप्लाई करके दिखा दो, 1 आना चाहिए। 8/9 इंटू, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो -9/8 हो जाएगा, अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो -1 आ रहा है, -1 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन भी आपको सेम इसी तरह करना है, आप खुद ट्राई करेंगे। 10, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, ऐसा कोई रेशनल नंबर बताइए जो रेसिप्रोकल नहीं होता, जीरो का रेसिप्रोकल नहीं होता। सेकंड, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू द रेसिप्रोकल, ऐसा कोई नंबर बताइए जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होता है, एक तो 1 होता है और -1 भी होता है, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, -1 का भी -1 होता है। थर्ड, द रेसिप्रोकल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, ऐसा कोई नंबर बताइए जो अपने रेसिप्रोकल के अपने नेगेटिव के इक्वल होता है, क्या होता है, जीरो, क्योंकि जीरो नेगेटिव और पॉजिटिव एक ही बात है। 11, फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट जीरो हैज, जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, तो जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। सेकंड, नीचे आंसर लिखे हुए हैं मैंने, द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, 1 और -1 अपने खुद के रेसिप्रोकल होते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज -1/5, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x x होगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल, दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई हमेशा रेशनल ही रहेगा। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव रेसिप्रोकल लोगे, पॉजिटिव किसी रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव रेशनल नंबर ही होता है। स्टूडेंट्स, इसके जो क्वेश्चंस मैंने छुड़वाए हैं आप उसे ट्राई कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू।